बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता होती है, ये डबल स्टैंडर्ड है, हमारे अधिकारों का हनन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ट्विटर लॉक को लेकर। जी हाँ, राहुल गांधी समेत 6 कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्विटर को लॉक कर दिया गया है और इसी को लेकर आज कांग्रेस भवन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश अरोड़ा। सर, क्या लग रहा है ये जो ट्विटर लॉक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है? निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता होती है। अब इस स्वतंत्रता को वर्तमान सरकार, केंद्रीय सरकार, इस अधिकार का हनन कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है। किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड ये है कि SC कमीशन द्वारा वही फोटो दिखाए गए परिवार के और लिखे भी गए, उनका ट्विटर लॉक नहीं किया गया। हाथरस में इसी तरह की घटना हुई थी, वहाँ भी BJP के नेताओं ने अपना ट्विटर अकाउंट में फोटो दिखाया और बातें भी लिखी, उनका बंद नहीं किया गया। जब एक पीड़िता के यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं और वहाँ के देखे हाल को कुछ लिखते हैं, हाल के बारे में लिखते हैं, तो ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ना केवल हमारे अधिकारों का हनन है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि डबल स्टैंडर्ड भी है। तो आप लोग का ये जो विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, ये और क्या रूप लेने वाला है? क्योंकि लगातार अगर हम कहें तो केंद्र सरकार जो है वो लगातार विपक्ष का ट्विटर जो है वो लॉक कर रही है, तो इसको लेकर आगे की क्या रणनीति? नहीं, हम आगे की रणनीति हमको हमारी है लोगों को जगाना, लोगों को बताना कि देखिए वर्तमान सरकार, आपने चुना इनको, डेमोक्रेटिक सेटअप के तहत चुना, लेकिन ये डेमोक्रेटिक है नहीं, ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तो आप देखिए इनके साथ क्या आपका फैसला होगा, जनता को फैसला जनता लेती है, तो जनता को बताना होगा। हमको विपक्ष में है, हमारा काम है जनता को सजग करना, जनता को बताना कि वर्तमान सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, तानाशाही रवैया अपना रही है और हमारी आज़ादी है बोलने के लिखने की उसको रोक रही है, उस पर उसका संवैधानिक अधिकार जो हमारा है उसका हनन। तो एक तरफ पेगासस मामला जोरों से उठा, उसके बाद ये ट्विटर लॉकिंग का ये मामला चल रहा है, कैसे देखते हैं इन सभी मुद्दों को? देखिए, सभी मुद्दों को हम देखते हैं कांग्रेस के या विपक्ष के लोग या देश या जब देश की बड़ी संख्या आखिर BJP शासन में आई है तो कितना प्रतिशत वोट लेके आई है, ये देख लीजिए 32-33%। बाकी तो इनके विरोध में वोट दिए, अलग अलग पार्टियों को दिए, ठीक है, अलग अलग, तो ये 32 केंद्र में तो मोदी मोदी हैं, लेकिन वोट कितना प्रतिशत लाए उन्हें का कह रहे हैं हम, केंद्र में आए तो 32-33% लाए, बाकी 100 में 32-33 के बाद जो बचता है दूसरे पार्टियों को मिला है। तो इस माने में मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, ये बहु पार्टी मल्टीपल पार्टी सिस्टम में इनको मत मिला है, लेकिन अगर आप देखें जनसंख्या को, जितने 100 अगर जनसंख्या है तो कितने लोगों ने को वोट दिए हैं, मेजोरिटी में उस माने में है, ही मेजोरिटी सरकार उस माने में है। तो ये इनको अधिकार नहीं बनता है कि डेमोक्रेटिक जो अधिकार हमारे हैं उसको रोके, हमें उसका हनन करें। तो हमारे साथ इस वक्त वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश अरोड़ा बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देशटी न्यूज़ के लिए रांची से।